चलिए अब हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा, हम लोगों ने इसके पहले परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये विद्युत में विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, चालकता क्या होती है, विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है। ठीक है ना, ये कुछ लैंग्वेज हैं और ये कुछ विद्युत धारा के मुख्य कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो सर ये सबसे पहले लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे हम, आप लोग नोट कर लीजिएगा, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल। ठीक है ना, किसे कहते हैं, ठीक, ये विद्युत वाहक बल, बल नहीं समझ में आ रहा है, फोर्स है, बल है। ठीक है ना, विद्युत को प्रवाहित कराने वाला। अब देखिए देसी भाषा में समझिए, विद्युत को मान लीजिए यहां से यहां तक विद्युत प्रवाहित करवा रहे हैं ना, ना? तो जो विद्युत हमारा चल रहा है ऐसे 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 ऐसे, तो किसी बल के कारण जा रहा है, क्या जा रहा है, किसी बल के कारण। जो बल लग रहा है इसमें, जो बल लग रहा है इसमें, वही क्या है, विद्युत वाहक बल है। अरे समझ में, जैसे हम चल रहे हैं तो क्या हम इस तरह चल रहे हैं, खड़े हो जाएंगे तो चल जाएंगे, हम बल लगा रहे हैं तब तो चल रहे हैं, बिना बल के संभव नहीं है कोई भी चीज चलना। ठीक है ना, उसमें बल लगाना पड़ता है। तो विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने के लिए जो बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अरे समझ में, क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। इसे इंग्लिश में ईएमएफ कहते हैं, क्या कहते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है ना, ठीक, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे समझ, विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, विद्युत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित कराने के लिए जो बल कार्य करता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहां से यहां तक विद्युत चल रहा है तो ऑटोमेटिक थोड़ी चल रहा है, इसके अंदर एक बल कार्य कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है इसको प्रवाहित कराने के लिए, वही उसका विद्युत वाहक बल है। आगे समझ में, चलिए ये हो गया। दूसरा प्रतिरोध, ठीक है ना, देखिए सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अरे समझ में, सब एक दूसरे का अपना 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 कुछ अलग अलग भूमिका अदा करते हैं। ठीक है ना, तो हमने विद्युत वाहक बल भूमिका क्या देखा, क्या देखा, वो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करा रहा है। ठीक है ना, विद्युत को आगे कर आगे प्रवाहित करा रहा है, प्रवाहित करवाना माने बल क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया। प्रतिरोध, इसने क्या किया, इसको इसने प्रवाहित कराया, किसने, विद्युत वाहक बल ने प्रवाहित कराया, तो प्रतिरोध आ गया। ये क्या कह रहा है, कह रहे यार तुम विद्युत वाहक बल इसको आगे बढ़ाओगे हम पीछे खींचेंगे, हम इसको पढ़ा नहीं देंगे। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल क्या करता है, आगे भागता है तो प्रतिरोध उसको रोकता है। समझ में आ रहा है, देखो विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है ना, तो प्रतिरोध यहां इसको रोक रहा है। समझ में आया, यानी कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट पैदा करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। रोध इसको देखो, अवरोध, अवरोध से बना है रोध। ठीक है ना, रोध पैदा करता है, अवरोध पैदा करता है, इसके बीच में रुकावट डालता है। अरे समझ में, विद्युत वाहक बल धारा के आगे बढ़ाएंगे, प्रतिरोध कहता है कि रोक देंगे, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। समझ में आया, समझ में, प्रतिरोध किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक मिनट, विद्युत वाहक बल जो है, क्या है, विद्युत वाहक बल जो है, इसे हम लोग किसे डिनोट करते हैं, ई से, ठीक, और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। विद्युत वाहक बल को किसे सूचित किया जाता है, ई से, और प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है। अरे समझ में, विद्युत वाहक बल जो है बैटरी में, जनरेटर में उत्पन्न होता है, कहां पर उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, बैटरी में और जनरेटर में, कहां होता है, बैटरी में और जनरेटर में। कहां उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, बैटरी और जनरेटर में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, इसे वी से डिनोट करते हैं। क्या होता है, क्या हो गया, क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, पर मत करो, इसका मात्रक क्या होगा, वी होगा। ठीक है ना, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, वी होगा, इसके नीचे रहना चाहिए। ठीक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, वी होगा, ठीक है, वोल्ट होगा, इसे वी से डिनोट किया जाता है। प्रतिरोध को किससे सूचित करेंगे, आर से सूचित करेंगे, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा, क्या होगा, ओम होगा, इसे ओम कहते हैं। ठीक है,
अब देखो हम उसके बाद क्या हमारा चालक तार, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि अब मान लो कि यहां से यहां तक विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी लकड़ी में तो नहीं हो रही होगी, किसी चालक में हो रही है। चालक किसे कहते हैं? चालक किसे कहते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित कराते हैं, उसे चालक कहते हैं। अरे समझ में, जो अपने में से ऐसा पदार्थ जो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए उसे क्या कहेंगे? चालक कहेंगे, ठीक। तो अब क्या है कि चालक है ये, तो चालक का भी अपना गुण होगा। बहुत सारे ऐसे चालक होंगे, बहुत सारे ऐसे तार होंगे, बहुत सारे ऐसे जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो बहुत आसानी से प्रवाह हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे जिसमें धीरे धीरे प्रवाह होगा। अरे समझ में, जिसमें बहुत आसानी से प्रवाह हो जाए, विद्युत धारा प्रवाह करने का गुण हो, अरे समझ में, इसमें जो वैसा चालक जिसमें विद्युत चालक है यहां से यहां तक, वैसा चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने का गुण हो, उसे हम क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। क्या कहेंगे? चालकता कहेंगे। अरे समझ में, इसे जी से सूचित किया जाता है। क्या कहता है? इसे एस से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है? एस से सूचित किया जाता है। और इसका मात्रक क्या है? साइमन है। क्या है इसका मात्रक? मात्रक क्या है चालकता का? साइमन, ठीक है ना। क्या है? इसे जी से सूचित करते हैं साइमन को। किसे सूचित करते हैं? जी से सूचित करते हैं। अगर समझ में, चालकता क्या है? वैसा चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करने का गुण हो, उसे चालकता कहते हैं। अच्छा चालक है तो अच्छा चालकता है, समझ गया। बस छोटा छोटा विभव, विभव दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। विभव कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अभी विभव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? धन विभव और ऋण विभव। समझ में आ रहा है? विभव क्या होते हैं? धन विभव और ऋण विभव। अब देखिए धन विभव और ऋण विभव में क्या, विभव कहते किसे हैं? वैसा कॉम्पोनेंट या ऐसा सिंबल जिससे हमें पता चले कि विद्युत धारा किसी वस्तु से पृथ्वी की ओर जा रही है या पृथ्वी से किसी वस्तु की ओर आ रही है, ठीक है ना, तो उसे हम विभव कहते हैं। अरे समझ में, यदि पृथ्वी की ओर जा रही है तो ऋण विभव, और पृथ्वी से ऊपर नहीं सॉरी पृथ्वी की ओर जा रही है तो धन विभव, और पृथ्वी से बाहर आ रही है तो ऋण विभव। समझ में आ गया? क्या है वैसा कंपोनेंट, ठीक, ऐसा कोई प्रदर्शित करने वाला ऐसा कंपोनेंट जिससे पता चले कि विद्युत धारा किस दिशा में जा रही है, आगे समझ में, उसे विभव कहते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, धन विभव और ऋण विभव। पृथ्वी में जा रही है तो धन विभव, और पृथ्वी से बाहर आ रही है तो ऋण विभव, ठीक है, खत्म। विभव समझ में आ गया? विभव हमारा समाप्त। विभवांतर, अब क्या है विभवांतर? अब देखिए विभवांतर किसे कहते हैं? जब किसी चालक के, ठीक, जब उसे विभवांतर, वांतर, अंतर, तो पढ़ो तो अंतर निकलेगा, निकल रहा है ना। विभवांतर का मतलब होता है कि जब किसी चालक के सिरों पर, कहां पे, जब किसी चालक के सिरों पर विभव में अंतर पाया जाए। क्या पाया जाए? इसके विभव में क्या पाया जाए? अंतर पाया जाए, उसे ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ विभव है ना भाई, धन विभव ऋण विभव होता है ना, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण, धन ऋण होता है ना, ये विभव है ना, धन ऋण, ठीक। तो इसके सिरों पर, इसके सिरों पर जो अंतर होगा क्या होगा? मान लो यहाँ दो को धन है, यहाँ एक को है, यहाँ पांच को है, तीन को है, समझ में आ रहा है? अंतर है ना, तो वही अंतर विभवांतर कहलाता है। क्या होता है? उसी को ही विभवांतर कहते हैं। कैसे बोलेगा? जब किसी चालक के सिरे पर विभव में अंतर, विभव में अंतर, दो पांच को छह को तीन को दो को एक को अंतर है ना, उसे ही विभवांतर कहा जाता है। और इसी विभवांतर के कारण, यदि विभवांतर नहीं रहेगा तो हमारा कोई भी ट्यूबलाइट, बॉल, मरकरी, पंखा, संखा नहीं चलेगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। अरे समझ में, तो विभवांतर होगा तभी प्रवाहित होगा। अरे हाँ, तो यहाँ भी पांच को कर दिए हैं, यहाँ भी पांच को कर दिए, तो दोनों बराबर हो गया ना, ये तो अंतर नहीं है, तो अंतर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अंतर होगा तभी तो एक दूसरे को पकड़ेंगे अपना बैलेंस बनाने के लिए, तो उसे विभवांतर कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद विद्युत धारा क्या है? इसके बाद सॉरी, विभवांतर का मात्रक क्या होता है?
विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है विभवांतर का मात्रक वोल्ट, इसे भी सूचित किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत धारा, अब हमारा क्या है विद्युत धारा, ठीक है ना, ठीक है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, जब किसी चालक में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, ठीक है ना, क्या जब किसी चालक में से या किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाए उसे ही क्या कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। यदि ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, समझ में आया, ठीक। इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है, जब किसी चालक है ठीक इसे प्रवाहित हो रहा है, और विद्युत धारा का चाल, विद्युत धारा जो चाल होती है वो कितने नापी गई है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, आगे समझ में, इसकी चाल कितनी मापी गई है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत धारा किसे कहते हैं, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे ए से डिनोट करते हैं, ठीक। तो इतनी चीज आप पढ़ लें, बाकी चीज हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे।